नमस्कार, मैं शेफाली सुबीन नवकेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ऋषिकेश सुलभ हिंदी के समकालीन शीर्ष लेखकों में से एक हैं। आपका जन्म बिहार के लहेजी गांव में 15 फरवरी 1955 में हुआ। आपने ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी जिम्मेदारी के साथ कार्य किया है। आपका विवाह 1982 में मीनू जी से हुआ, जो उस समय अपने गांव माधेपुर बिहार के चंपारण जिला की एकमात्र स्नातक महिला थी। आपके जीवन पर आपके पिता का विशेष प्रभाव रहा, जो एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ होम्योपैथ के चिकित्सक भी थे। सुलभ जी की कहानियां कई पत्रिकाओं में छपी हैं, जैसे सारिका, धर्मयुग, लहर, साक्षात्कार, कथा यात्रा, रविवार, वसुधा, साम्य, अब कहानी विशेषांक, वर्तमान साहित्य, हंस, कथन, सबरंग, जनसत्ता विशेषांक, कथा देश, इंडिया टुडे साहित्य विशेषांक, लोकमत विशेषांक, प्रभात खबर विशेषांक, समय कहानी विशेषांक, जनपद समकालीन भारतीय साहित्य और कई भाषाओं में अनुवाद भी आपकी कहानियों का हो चुका है। बचपन से ही रंगमंच से जुड़े होने की वजह से आपने कई नाटक भी लिखे हैं। आपके नाटकों में विशेष रूप से बिहारी ठाकुर द्वारा प्रचलित शैली विदेशिया पर अपनी सृजन को आपने केंद्रित किया है। इस शैली के आधुनिक भारतीय रंगमंच में प्रयोग करने के लिए आप जाने जाते हैं। इसमें आपके प्रसिद्ध नाटक बटोही का मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य पत्रिका कथा देश में आप पिछले कुछ वर्षों से लगातार लिख रहे हैं। धरती आबा आपके द्वारा लिखा नया नाटक है। आपके नाटकों में धरती आबा, बटोही, माटी गाड़ी, सूद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम का रूपांतर, मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास का रूपांतर, आपकी कहानी संग्रह है पत्थरकट, बद्धस्थल से छलांग, बंधा है काल, तूती की आवाज, बसंत के हत्यारे। बसंत के हत्यारे के लिए आपको 16वां इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान 2010 कथा यूके प्राप्त है, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, अनिल कुमार मुखर्जी शिखर सम्मान नाटक लेखन के लिए, रामवृक्ष बेनीपुरी सम्मान नाटक लेखन के लिए, पाटलिपुत्र सम्मान नाटक लेखन के लिए और सिद्धार्थ कुमार स्मृति सम्मान रंगमंच आलोचना एवं नाटक के लिए आपको प्राप्त है। नवचेतना की ओर से आज बिहार स्थापना दिवस पर आपको हार्दिक बधाई और शुभ मंगल कामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शख्सियत से साक्षात्कार कार्यक्रम में आज जो शख्सियत मेरे साथ जुड़े हैं, वो बिहार की माटी के सौंधे लिए छपरा सारण के लाल और हिंदी साहित्य के वरिष्ठम लेखकों में है आदरणीय ऋषिकेश सुलभ सर। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपको बहुत शुक्रिया बिहार आमंत्रित करने के लिए। आभार सर। और बिहार दिवस है आज, तो इसकी भी मैं बधाई और शुभकामना देती हूँ हम सब के लिए, और आपको भी बधाई। आपकी अभी अभी एक उपन्यास आई है अग्निलीख, और इसकी भी मैं बधाई देती हूँ, हार्दिक बधाई सर। और आज बहुत खुशी हो रही है आप हमसे जुड़े हैं बात करने के लिए। जी, मैं ये भी समझना बहुत प्रसन्नता हो रही है। जी जी आपके अभी बिल्कुल आपकी अग्निलीख आई है, इसमें से मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि ये आपकी उपन्यास अग्निलीख में स्त्रियों की स्थितियों पर ये केंद्रित है, तो इसके पीछे आप लिखने के पीछे क्या आपकी भावनाएं रही? शेफाली जी, आपने सही कहा, उपन्यास अग्निलीख आया है और इसमें स्त्रियों का जो जीवन है वो बहुलता से शामिल है। कई स्त्रियां, कई पीढ़ी की स्त्रियां हैं। इस उपन्यास का विस्तार कई पीढ़ियों तक है, उसमें लगभग 4-5 पीढ़ी की स्त्रियां शामिल हैं। स्त्रियों के अपने जीवन संघर्ष हैं, समय के साथ जो हमारा समाज धीरे धीरे बदला है, उस बदलते हुए समाज में स्त्री की क्या भूमिका रही है, कैसा जीवन रहा है स्त्री का, स्त्रियों ने हमारे समाज की निर्मिति के लिए, निर्माण के लिए क्या क्या किया है,
और साथ ही हमारे समाज ने उनको कैसा जीवन दिया, क्या जीवन की रूढ़ियाँ थी, क्या परेशानियाँ थी, जीवन में उनको जो कुछ जितना कुछ मिलना चाहिए था क्या हम सब उन्हें दे पाए। एक स्त्री होने के नाते जो जिन विसंगतियों को, जिन विषमताओं को, जिस भेदभाव को हमारे समाज की स्त्रियों ने झेला, उस पर इसमें काफी रचनात्मक ढंग से मैंने कोशिश की है कि मैं वर्णन कर सकूं, कि उन स्थितियों को सामने पाठकों के ला सकूं। इसमें जसोदा हैं जो आज़ादी के पहले जन्मती हैं, वो उनका उस समय एक प्रेम होता है जो जाति और समाज की जो दूसरी अवधारणाएं थी, जो जीवन विरोधी जो अवधारणा थी उसके खिलाफ यह रिश्ता था। और उस समय उनका विवाह अपने प्रेमी से नहीं हो पाता, बहरहाल वो उनका विवाह कहीं और हो जाता है। फिर जब वो आती हैं अपने बेटे का लालन पालन करते हैं, कैसे एक स्त्री अपनी संतान की निर्मिति करती है, समाज के लिए उसको कितना ताकतवर बनाकर प्रस्तुत करती है। फिर उन्हीं की पड़पोती, उनके उनके बेटे की पोती, एकदम आज के समय की नए उम्र की लड़की है, वह उसका जीवन है। फिर बीच में और कई स्त्रियां हैं गांव की, रेशमा नामक एक स्त्री है जो जिसका विवाह जबरन कम उम्र में कर दिया जाता है। फिर उसके कई प्रणय प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को पार करती हुई धीरे धीरे वो एक शराब बेचने वाले की पत्नी बनती है। फिर उससे अपने, फिर वो बहुत ही खुले मन की स्त्री है, बहुत ही भीतर से ताकतवर है, वह अपनी इच्छा के पुरुषों के साथ जुड़ती है। और जैसे ही उसको पता लगता है कि उसके स्त्रीत्व जो है, उसका स्त्रीपन जो है उसका, उसके ऊपर वे पुरुष हमला कर रहे हैं, तो वे उनके विरोध में जाती है। और धीरे धीरे वो अब एक ऐसे व्यक्तित्व के में हमारे सामने आती है जिसमें वो सरपंच का चुनाव लड़ती है, गांव की राजनीति के केंद्र में आती है। इसी तरह और भी पात्र हैं, गुलबानो हैं जिनके पति की हत्या हुई है, और गुलबानो स्त्रियों के बीच जो बहनापा होता है, उस रिश्ते को जिस स्त्री की अभी मैं पहले बात कर रहा था रेशमा, वो और गुलबानो मिलकर स्त्री और स्त्री के बीच में जो बहनापे का एक रिश्ता होता है, एक जिसको आप सिस्टरहुड कहते हैं, उसको ग्रामीण जनजीवन में कैसे रचती हैं दोनों। तो इस तरह से कई स्त्रियां हैं अपने अपने दुखों, अपने अपने संघर्षों, अपने अपने सुखों की खोज करती हुई, अपने दुखों से लड़ती हुई, और जीवन के प्रति, मनुष्यता के प्रति, स्त्रीपन के प्रति, इस पितृसत्तात्मक समाज से लड़ती हुई कई स्त्रियां हैं इस उपन्यास में। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह उपन्यास स्त्रियों के जीवन की कथा कहने की कोशिश है मेरी। जी जी बिल्कुल सर, आपके क्या ये राजनीतिक उपन्यास है, क्योंकि इसमें ग्रामीण राजनीति का भी वर्णन है सर। खाली मैं राजनीति आज हमारे समय की एक बड़ी सच्चाई है, इसको शुद्ध रूप से मैं जीवन की कथा कहता हूं, और जीवन की कथा कहने के क्रम में राजनीति से बच पाना मुश्किल है और बचा जाना भी नहीं चाहिए। जब राजनीति हमारे जीवन के सारे मसले तय कर रही है, राजनीति भूमि से लेकर मनुष्य के दिमाग तक पर जो काबिज है, राजनीति तय कर रही है कि हम कैसा जीवन जिए, राजनीति तय कर रही है कि हमारी धरती पर कितना वन रहेगा, कितना काट डालेंगे, हम रोटी खाएंगे तो उसकी कीमत क्या होगी, हम कपड़ा पहनेंगे तो उसकी कीमत क्या होगी, मनुष्य से मनुष्य का रिश्ता कैसा रहेगा, या राजनीति किसको दवा मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। मतलब आप देखिए कि पूरा पूरा हमारा जो समाज है उस पर राजनीति काबिज है।
तो एक उपन्यास में जब आप एक कथा कह रहे हैं और कई वर्षों की कथा कह रहे हैं, कई दशकों की के बीच में जो जीवन फैला है उस जीवन की कथा जब आप कह रहे हैं, तो आप राजनीति से कैसे बचे रह सकते हैं? गांव में भी ग्राम पंचायतें हैं, मुखिया है, सरपंच है, जो पंचायत समितियां हैं उनके सदस्य हैं, ये गांव के जीवन को प्रभावित करते हैं। और राजनीति सिर्फ दिल्ली और पटना की राजनीति ही बिहार के किसी गांव को प्रभावित नहीं करती, बल्कि आप अगर इसके विपरीत जाकर देखें, जैसे हम 1 से 100 तक गिनते हैं, तो 100 से 1 तक भी एक उल्टी गिनती होती है। तो जब जैसे ही आप गांव में जाते हैं, तो जो हमारी जो राष्ट्र की, देश की, जिसको आप राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं, उसका असर गांव पर पड़ता है। ये सारा कुप्रभाव गांव पर भी पड़ेगा और अच्छा प्रभाव होगा तो वो भी पड़ेगा। तो इसमें चुनाव है और चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, उनके माध्यम से जीवन की वे पात्र हैं, जीवंत पात्र हैं वे। तो जाहिर है कि राजनीति भी इसमें दिखेगी, राजनीति भी इसमें स्पष्टता सामने आएगी और उपन्यास का अंत भी एक राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ही होता है। जो हत्याएं होती हैं, उन हत्याओं के तार भी बहुत गहराई के साथ राजनीति से, ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। गांव का विकास सिर्फ सड़कें नहीं होती, सड़कें बेहद जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ सड़कें गांव का विकास नहीं है। मनुष्य को एक अच्छा जीवन मिले, अच्छा पर्यावरण मिले, अच्छा वातावरण मिले, शिक्षा मिले, भोजन मिले और साथ साथ अपनी अपने पसंद का जीवन मिले। अगर स्त्रियां हैं तो उनको उनके हक हकूक जो हैं वो मिले, अगर दलित समाज है तो दलितों का के जीवन के अपने संघर्ष और कष्ट हैं, उनको उनके जीवन का जो देय है वो मिले, अगर गैर जो एक जिसको बहुसंख्यक समाज है, गैर बहुसंख्यक समाज, उस समाज की भी अपनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसके अपने रंग हैं, उनको अपना जीवन मिले, उन पर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं हो, वो कॉर्नर नहीं किए जाए। राजनीति ये सब कर रही है आज हमारे समय में, बिल्कुल। तो ये सबका असर गांव पर भी पड़ता है और इस तरह आप उसको चाहें तो राजनीतिक उपन्यास भी कह सकती हैं। मैंने जीवन की कथा कहने की कोशिश की है और इस कोशिश में जितनी राजनीति की चर्चा उस उपन्यास में होनी चाहिए उतनी है। जी सर, बहुत सही आपने कहा कि ये जो हालात हैं अभी के वर्तमान हालात, इस पे आपने बिल्कुल सही बात कही है। उपन्यास में मुस्लिम समुदाय प्रमुखता से आता है सर, जबकि किसी साहित्य में इसकी कमी ही दिखती है, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, हिंदी साहित्य में आपका ये कथन बहुत हद तक सही है कि जो मुस्लिम जीवन है, मुस्लिम जीवन जब मैं कह रहा हूँ तो कहीं से उसको अलग करके कॉर्नर करके नहीं कह रहा हूँ, यह साझा संस्कृति रही है हमारे देश और समाज की। इस साझा संस्कृति के बीच तरह तरह के समुदायों का जीवन, उनके अपने धार्मिक विश्वास, उनके अपने उनके सामाजिक आचरण व्यवहार, उनकी अपनी संस्कृति, उनकी रवायतें, उनकी परंपराएं, जो भी आप कह लें, उनका पहनावा, उनका भोजन, सब में थोड़ा बहुत अंतर है, विविधता है। तो इन विविधताओं के साथ मुस्लिम समुदाय का जीवन हिंदी साहित्य में आया है, लेकिन कम आया है। जिस मात्रा में आना चाहिए उस मात्रा में नहीं आ पाया है, इसमें सही। इसका कारण एक ये भी है कि गाँव का जो खासतौर पर मुस्लिम समुदाय है, उसके जीवन से लेखक, अमूमन लेखक अपरिचित रहे हैं। गांव से लेखकों का आना ही बंद हो गया। लेखकों की पौध पहले गांव से आया करती थी, लेकिन अब लेखकों का गांव से आना बंद हो गया है, ज्यादातर शहर केंद्रित लोग हैं। तो जीवनानुभवों की भी कमी है। जिस लेखक के पास जैसा जीवनानुभव होगा, जीवन का जो अनुभव होगा, वही वो लिखेगा, उसी यथार्थ को वो लिखेगा। तो इसकी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी इसके कई कारण हैं। इसके कारण ये हैं कि जो जिस तरह एक दौर था कि शानी जैसा लेखक हिंदी में आए, आज भी हमारे पास अब्दुल बिस्मिल्ला जैसे लेखक हैं, असगर वजाहत जैसे लेखक हैं,
लेकिन हम उन्हीं से क्यों उम्मीद करें कि वे हिंदी में मुसलमान होने के चलते जो मुस्लिम समुदाय है उसकी उसकी जीवन गाथा वे ही लिखेंगे। ये उम्मीद तो एक तरह की मूर्खता होगी या एक तरह का एक तरह मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि यह भी गलत बात है। तो जो हिंदी के दूसरे लेखक हैं उनको चाहिए कि शहर केंद्रित कस्बा में हो या महानगरों के का जीवन जो हो या फिर ग्रामीण जीवन जो हो, जो जहाँ रह रहा है जिसके पास जो अनुभव है उसमें जो मुस्लिम समुदाय के जीवन के जो अनुभव हैं उन अनुभवों को साझा करना चाहिए। अब हमारा समाज पिछले कुछ वर्षों में बहुत एकांगी हुआ है, हमने अफवाहों पर ध्यान देना शुरू किया है और एक ऐसी जिंदगी की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं जहाँ मनुष्यता छीज रही है, मनुष्य कमजोर हो रहा है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान या उसको कहिए व्यवहार जो होता है एक दूसरे समुदाय के साथ वो सब बंद होते जा रहा है। उसका कारण है कि हम सब धीरे धीरे एक हिस्टीरिया का शिकार होते जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद का शिकार होते जा रहे हैं और राजनीति ने एक ऐसा चलन शुरू किया है, राजनीति ने हमारे समय को हमारे समाज को प्रदूषित किया है। तो हमारे संपर्क और संबंध बहुत ही क्षीण होते जा रहे हैं दूसरे समुदाय से, यह एक भयावह बात है, यह एक भयावह सच्चाई है जिससे हमें आज मुंह नहीं चुराना चाहिए, जिसका सामना करना चाहिए। या हम अपने पूरे समाज को एक कठोरता भरा पर्यावरण दे रहे हैं या वातावरण दे रहे हैं, यह उचित नहीं है। इसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा और हम निरंतर अकेले होते जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम अपने साथ रह रहे हैं, अपने समय और समाज में जी रहे दूसरे समुदायों के साथ हमारा व्यवहार, हमारा मिलना जुलना, हमारा आपसी रिश्ता दृढ़ से दृढ़तर हो, न कि कमजोर। यह कमजोर होगा तो भला साहित्य में वो कैसे वर्णित होगा, कैसे साहित्य में आएगा, यह संकट तो है। तो इस संकट से जिस संकट से हमारा समाज जूझता है उसी संकट से साहित्य को भी जूझना पड़ता है। साहित्य कहीं वायवीय चीज नहीं है, बाहर से नहीं आती, पर साहित्य भी समाज का ही उत्पाद है। आपने सही कहा कि हिंदी में जो लेखन हुआ है उसमें मुस्लिम समुदाय के जीवन का जिस मात्रा में जिस तरह से उसकी उसका प्रकटीकरण होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा, इसके लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए और लेखक की जिम्मेदारी जो आपने बखूबी निभाई है बिल्कुल बढ़ जाती है। बिल्कुल लेखक की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है शेफाली जी कि लेखक आपका यह काम है कि आप समाज को जो दे रहे हैं, समाज को आप जो कथाएं कविताएं आप जो शब्द के माध्यम से जो संस्कृति रच रहे हैं उस संस्कृति से जीवन प्रभावित होता है। आप सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, तो यह सजगता तो लेखक के बीच होनी ही चाहिए कि वह किसी तरह का भेदभाव न करे, वह संपूर्णता में समाज को देखे, समग्रता में जीवन को पहचानने की कोशिश करे और अभिव्यक्त करने की कोशिश करे। बिल्कुल सर, ये जिम्मेदारी बढ़ती है। ये उपन्यास अग्निलीक हत्या से आरंभ होता है और हत्या से ही समाप्त भी, इसके क्या कारण है? इसे आप एक रूपक की तरह भी देख सकती हैं। हम जिस समय में जी रहे हैं यह एक हत्यारा समय है। मैं अपनी बात बार बार इस बात को दोहराते रहा हूँ अग्निलीक के संदर्भ में जब भी चर्चा होती है और यह प्रश्न अक्सर मुझसे पूछा जाता है, तो यह एक सच है कि हम एक हत्यारे समय में जी रहे हैं जहाँ हमारा जीवन सिर्फ इसलिए शेष है, बचा हुआ है कि हमारी हत्या से किसी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जिस दिन किसी को यह पता चलता है कि आपके जीवन आपकी हत्या कर देने से उस व्यक्ति को ये लाभ हो जाएगा, वो आपकी हत्या कर दी जाएगी। हमारा समाज इतना हिंसक, इतना असहिष्णु, इतना प्रपंची और लालची हो चुका है। तो यह उपन्यास एक हत्या से शुरू होता है, हत्या से खत्म भी होता है और यही नहीं, इस उपन्यास के बीच में भी कई हत्याएं होती हैं।
तो इन हत्याओं को एक सिलसिले में आप जब देखेंगी तो यह एक रूपक भी है, दोनों तरफ हत्याएं और उसके बीच में जीवन, उसके बीच में जीवन, जीवन के की नैसर्गिकताएं। और आप देखिए इसको दूसरे ढंग से सोचना शुरू कीजिए, तो क्या मनुष्य, क्या हर क्षण हम आप सब किसी न किसी हत्या का शिकार नहीं हो रहे? हमारी एक जी लालसा, हमारी एक इच्छा, उसको, एक लड़की है उसकी अपने अपनी पसंद के पुरुष से विवाह करने या उसके साथ रहने, उसके साथ जीने, या बिना विवाह संस्था में बंधे साथ जीने, या बिना संतान पैदा किए एकाकी जीवन जीने की उसकी इच्छा का क्या हमारा समाज आज सम्मान करने को तैयार है? तो इस यही बिल्कुल नहीं, एक लड़की पढ़ना चाहती है और उसका परिवार, उसका पिता या उसका समाज उसको पढ़ने नहीं देता। मैं सिर्फ स्त्रियों की बात अभी कर रहा हूं, ये पुरुषों में भी कई बहुत है, चूंकि पुरुष पर आपने सत्तात्मक जो समाज। समझ चाहूंगी यहाँ पे, मैं इसलिए आपको एक बात मेरे मन में आई कि आपने कहा कि महिलाओं की चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ समाज इतना आगे नहीं है या इतना महिलाएं भी नहीं ताकतवर हैं सोचने के लिए कि इतनी बड़ी डिसीजन जो है वो ले पाए सर, वो एकाकी वही वही जीवन की जो आप जी बात कर रहे हैं। वही बात जी मैं वही बात कर रहा हूं। मैं तरह तरह के आर्थिक और सामाजिक स्तर की महिलाएं हैं हमारे समय में, हमारे समाज में एक एक आर्थिक और सामाजिक स्तर तो है नहीं, तो तरह तरह जी की महिलाएं हैं। तो इन इच्छाओं को रोक देना, इनको मार देना समाज के द्वारा, यह भी तो एक हत्या है कि मैं पढ़ना चाहता हत्या हूं या चाहती हूं, मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, मेरे पास जी जीवन की ऐसी स्थिति नहीं है। एक दलित क्यों अभिशप्त है अशिक्षित रह जाने के लिए? एक आदिवासी इस देश में क्यों अभिशप्त है जंगलों में बिना वस्त्र के, बिना उचित भोजन के, बिना पोषक पोषाहार के जीने के लिए? ये तमाम छोटी छोटी इच्छाएं हैं हमारे जीवन की, कि हम शुद्ध और साफ पानी पीना चाहते हैं, हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए, हम जी खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, हमारे पास सांस लेने के लिए हवा नहीं है। राजनीति और सत्ता और पूंजी, इसके गठजोड़ ने हमारे समाज को इतना दूषित कर दिया है कि हमारी सारी इच्छाओं की हत्या रोज हो रही है। छोटी छोटी हत्याएं हैं ये, लेकिन ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यही मैं कहना चाह रहा था कि हत्या सिर्फ मनुष्य का गर्दन काट देना ही हत्या नहीं है। तो हमको सुविधाओं से, साधनों से वंचित कर किया जाना, जो नैसर्गिक मनुष्य के अधिकार हैं, जो नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार हैं, उन अधिकारों से वंचित किया जाना, ये भी तो हत्याएं हैं। तो बिल्कुल यह एक, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि ये हत्यारा समय है, और इस उपन्यास में हत्या का जो सिलसिला है उसको एक रूपक की तरह देखा जाना चाहिए। जी, बहुत सही आंकलन आपने किया है कि ये जो इच्छाओं की हत्या है और जो हम जो निरंतर अभी भी हो रहा है, जो परंपरा की दुहाई दे करके हत्या करते हैं हम, और हम स्त्रियों की जो आप कह रहे हैं कि जो अभी स्थिति है, आधुनिकता का भी एक चोला जो है ओढ़ के, उसमें भी एक बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं जो बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि ये आधुनिक आधुनिक कह रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसे घरों में आपको चीजें दिखने को हम लोग भी देखते हैं, आप तो अनुभव जी किया जी है सर। जी शेफाली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आधुनिकता की आड़ में भी बहुत हत्याएं हो रही हैं। उसका कारण यह बिल्कुल है कि आधुनिकता को हम समझ ही नहीं पा रहे। आधुनिकता जी मूल्य नहीं है कि आपने उसको निश्चित कर दिया कि यही है आधुनिकता। आधुनिकता एक दृष्टि है, विजन है, जो जीवन बिल्कुल जीने की जो दृष्टि होती है उसको आधुनिक होना पड़ता है। आधुनिकता को दृष्टि नहीं मान करके जब हम मूल्य के रूप में स्थापित करने लगते हैं तो हम परंपराओं की दुहाई और ऐसी परंपरा बना देते हैं कि मूल्य जो है स्थिर चीज होती है ना, लेकिन दृष्टि है, विजन है, वो रोज बदला जा सकता है। जैसे जैसे जीवन हमको धनी करता है, संपन्न करता है, जैसे जैसे हमको बेहतर मनुष्य बनाता है, हमारी दृष्टि में बदलाव आता है। आज मैं जो बातें कर रहा हूं, हो सकता है कि हमारी 4 पीढ़ी के पहले के पुरुष, 2 पीढ़ी के या एक ही पीढ़ी के पहले के पुरुष नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल हमने अपने समय और समाज से बहुत कुछ सीखा है,
सीख करके हम ये सारी बातें कर रहे हैं और हम ऐसा जीवन चाह रहे हैं अपने लिए। तो आधुनिकता एक दृष्टि है, आधुनिकता कोई मूल्य नहीं, कोई स्थिर चीज नहीं कि जिसको न बदला जा सके। और यही एक खतरा है, आधुनिकता आधुनिकता हम कहते तो हैं लेकिन हम उसको मूल्य मान बैठते हैं, उसको विजन के रूप में, उसको दृष्टि के रूप में नहीं अपनाते। जी बहुत सही कहा आपने, सही विश्लेषित किया है कि आधुनिकता जो होती है वो परिवेश जो होता है उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए। एक हमारे सर राजेंद्र निगम कह रहे हैं, अति उत्तम तारीफ कर रहे हैं सर, हमारे दर्शक हैं। और एक बात और मैं समझना चाहूंगी, परंपरा परिवेश के मुताबिक बदलती है या संशोधित होती है, सुविधा अनुसार बदल दिए जाते हैं। एक कथाकार नाटककार की दृष्टिकोण से आपके क्या विचार हैं सर इसमें? देखिए अक्सर परंपरा को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, परंपरा और परिवेश का बहुत गहरा रिश्ता है। परिवेश से परंपरा उपजती है और कई बार परंपरा जो है वो परिवेश को प्रभावित करके, और जैसे पशुओं को हांका जाता है वैसे हांकने लगती है। परंपरा बहुत ही भ्रामक शब्द भी है, इसलिए इससे टकराते हुए, इससे बातचीत करते हुए हमको हमेशा सजग रहना चाहिए। परंपरा में हम अक्सर ये कहते हैं कि यह हमारी इतने वर्षों की पुरानी परंपरा है, इतने वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि होता आ रहा है इसलिए हमें भी यह करना है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हमारा यह जो समय है, हमारा जो समाज है, हमारा जो जीवन है, उसके लिए यह किया जाना कितना जरूरी है। परंपरा हमेशा अपने साथ मृत अंश भी लेकर चलती है, इसलिए परंपरा को बार बार मांझना चाहिए, संपादित करना चाहिए, उसके भीतर जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन हमारे समय के लिए उपयोगी नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए। परंपरा मरी हुई चीजों को, अंधविश्वासों को, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, वैसी बातों को, वैसी रवायतों परंपराओं को ढोने से हमारा जीवन नष्ट ही होगा, उसमें नया कुछ नहीं जुड़ेगा। और लेकिन अमूमन हम कभी धर्म की परंपरा, कभी समाज की परंपरा, कभी राजनीति की परंपरा, इन सब परंपराओं की दुहाई देकर हम मनुष्य को एक सीमा में बांधते हैं। हम जो जो प्राकृतिक गुण हैं मनुष्य के, जो जीवन के प्राकृतिक नैसर्गिक सुख हैं या आनंद हैं, या फिर जो जिसको कहें कि जो मनुष्य का मनुष्य से जो रिश्ता है, उस रिश्ते को लेकर के गहराई से जब आप सोचिए, तो ये परंपरा का में चलते हुए अंधविश्वास, परंपरा में शामिल मृत अंश, ये सब कुछ हमको नष्ट ही करते हैं। इसलिए परंपरा के पास जब भी जाएं, जब भी परंपरा की बात करें, अपने को परंपरा से जोड़ें, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह हमारे समय और समाज के लिए उपयोगी है भी या नहीं है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी धार्मिक रूढ़ियां, राजनीति की दुनिया में राजनीतिक रूढ़ियां, संस्कृति की दुनिया में संस्कृति की रूढ़ियां, इन रूढ़ियों से मुक्ति ही परंपरा का सही विश्लेषण है। और तभी परंपरा हमारे जीवन के काम आ सकेगी, नहीं तो परंपरा हमको अंधविश्वास की खाई में ढकेलेगी, हमारे जीवन को दुश्वार बनाएगी। बिल्कुल सही कहा, दुश्वार बना देगी। और परंपरा की जो परिभाषा है आपने बहुत अच्छी बात कही सर। अपने अपने लेखन में यथार्थ और भविष्य के विषयों को किस प्रकार संतुलित किया है? देखिए शेफाली, लेखन में जो यथार्थ वर्णित होता है वह अतीत से नाभिनाल बद्ध होता है, लेकिन वह वर्तमान तो होता है लेकिन अतीत से भी नाभिनाल उसका जुड़ा रहता है, और साथ ही उसकी जो दृष्टि होती है, उसकी जो नजर होती है, या उसके जो आने वाले समय में जो उसका प्रभाव होता है वह भविष्य की ओर होता है। तो भविष्य और अतीत दोनों से
समकालीनता का या समकालीन यथार्थ का गहरा रिश्ता होता है। अब यह लेखक का काम है कि वह अतीत का कितना हिस्सा चुने और अपने वर्तमान के साथ उसे मिला करके भविष्य के लिए कौन सी दृष्टि रचे, क्योंकि भविष्य भविष्य जो है वर्तमान के ही गर्भ में छिपा होता है। भविष्य अलग से नहीं आता, अलग से आज से 100 वर्ष पहले 50 वर्ष बाद की अगर बात, बहुत मोटा सतह की अगर हम बातें करें तो आज से 50 वर्ष पहले क्या होगा ये आज तय हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी का समय 50 वर्ष बाद जो होने वाला है उसको नहीं जान रहा, उसकी धमक नहीं है, उसकी धमक है, उसकी उसी को खोजना काम है लेखक का। या और लेखक अगर उसको खोज जब लेता है तो फिर वह भविष्य के जो नए रास्ते हैं, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो मनुष्यता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इस संसार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उस तरह उन रास्तों की तरह भविष्य को मोड़ता है। लेखक भविष्य दृष्टा होता है, लेखक स्वप्न दृष्टा तो होता ही है और स्वप्न दृष्टा होने का अर्थ ही यहाँ भविष्य दृष्टा है। तो अतीत से आप पूरी तरह पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, या आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप अतीत से अपने लिए क्या चुनते हैं और चुन करके अपने समकालीन यथार्थ के साथ उसका कैसा रिश्ता बनाते हैं कि आने वाला समय, आने वाला जो काल है, जो आपका भविष्य है, उसको प्रभावित कर सके, उसको एक एक नई दृष्टि आप दे सकते हैं। तो ये लेखक का काम है, यह जटिल काम है, यह किसी भी लेखक के लिए बताना मुश्किल है कि वो उसको कैसे करता है। ठीक उसी तरह जैसे कि यथार्थ में कितनी कल्पना मिलाई जाए कि कथा बन जाए या उपन्यास बन जाए, हर लेखक लिखता है तो यथार्थ लिखता है, लेकिन वो सिर्फ यथार्थ को सामने रख देगा तो उसे कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो तो जाना हुआ है। अगर मैं कहूं कि सूर्य उग रहा है तो सूर्य तो रोज उगता है, मुझे इस तरह से कहना होगा जैसे मैंने पहली बार सूर्य को उगते हुए देखा, और आपको भी ये विश्वास हो जाए वह पंक्ति पढ़ते हुए कि सूर्य को आप पहली बार इन शब्दों के माध्यम से उगते हुए देख रहे हैं। तो जिस तरह यथार्थ में कल्पना को कितना मिलाया जाए यह कोई लेखक नहीं बता सकता, इसके अलग अलग मयार होते हैं, इसके अलग अलग मात्रा होती है, इसके अलग अलग उसी तरह कि भविष्य की निर्मिति के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान और अतीत का कौन सा हिस्सा, कौन सा अंश किस तरह रचा जाए कि भविष्य की तरफ वो संकेत करे, या कहना लेखक के लिए कठिन काम है, ये प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। जी बहुत, फिर भी आपने जटिल को भी बहुत हद तक आपने समझाया हमें भी और दर्शकों को भी, इसलिए मैं आपसे बात करना मुझे बहुत सुखद लग रहा है कि जो जटिलता है उसको भी आपने सुलभ बना दिया, बिल्कुल आपने नाम की तरह। जी आपका नाम अपने आप में बहुत मायने रखता है सर, और बहुत शुक्रिया। जी क्योंकि आपके जो आवरण होते हैं या आप किसी आप शब्दकार हैं और आप जब नाम लिखते हैं या कुछ कवर पेज होता है उसके भी अपने मायने और अर्थ होते हैं, तो और जब आपका नाम भी नामकरण भी होता है उसके भी अपने अर्थ होते हैं। एक हमारे ये राजेंद्र जी कह रहे हैं हमारी संस्था का नाम भी परंपरा है, हम भी आपके विचारों का आदर करते हैं। बहुत खूब राजेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया राजेंद्र जी। हाँ इनके नाम, संस्था का नाम भी परंपरा है ये कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, और हम भी यही सर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मन में एक और है बात सर, एक लेखक के तौर पर भाषा का चुनाव कितना प्रभाव रखता है, नाटक हो या कथा हो, कहानी हो, कुछ भी। देखिए भाषा वह टूल है, क्या भाषा के माध्यम से ही आप संचरण करते हैं। हर लेखक, कहानी हो, कविता हो और नाटक हो, कोई भी रचना हो, आप लेख ही क्यों नहीं लिख रहे हैं, भाषा की बड़ी अहम भूमिका है।
आपकी अभिव्यक्ति का पहला टूल है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप जो कहना चाहते हैं कहते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, शब्द वाक्य बनते हैं, शब्द जो है आपके भीतर, आपके जो मनोभाव हैं, आप जो जो विचार हैं, जो आपकी कल्पनाएं हैं, जो आपके स्वप्न हैं, उन सबका शब्द ही वहन करते हैं उनको, और आपके पाठक तक, आपके सुनने वाले तक ले जा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात करते हुए शब्दों को ही माध्यम बना रहा हूं, तो शब्द बहुत जरूरी है। और लेकिन क्या सिर्फ शब्द भाषा होते हैं? क्या सिर्फ शब्दों को हम भाषा मान सकते हैं? नहीं, भाषा एक संस्कृति है। भाषा अगर हम बहुत व्यापक होकर के सोचना शुरू करें तो यह भाषा एक व्यापक भाषा जीवन की दृष्टि भी देती है। आपकी जीवन दृष्टि जैसी है वैसी भाषा आपकी बनेगी, है ना? आपके जीवन से, आपके जीवन के यथार्थ से भी भाषा की निर्मिति होती है। तो जैसे ही कोई लेखक लिखता है, वह जो बात लिखने जा रहा है, जो बात करने जा रहा है, उस बात के पीछे जो दृष्टि है उसकी, जो जीवन है उस बात के पीछे, जो सच है उस बात के पीछे, वह सच, वह जीवन की दृष्टि, वह कल्पना, वह यही भाषा का, इसी से भाषा का निर्माण होता है। भाषा अलग से नहीं थोपी जाती। भाषा जो है, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि यथार्थ के गर्भ से उपजती है भाषा। भाषा कहीं अलग से आरोपित नहीं की जाती। लेखक लिखते हुए इसे अर्जित करता है, वो पढ़ता है, पढ़ने से भी भाषा अर्जित होती है। आप दुनिया के बड़े बड़े लेखकों को या नए लेखकों को, पचासों तरह के लेखकों को आप पढ़ते हैं, पढ़ते हुए आपको, आप भाषा अर्जित करते हैं। फिर वह भाषा जो आप अर्जित करते हैं वो आपके जीवन से टकराती है, आपके जीवन से फिर टकराने के बाद एक नई छवियां, नई ध्वनियां पैदा होती हैं, जिसे आप फिर अपने लिखने में उपयोग करते हैं। तो कहानी हो, कविता हो, प्रयास हो, नाटक हो, कोई भी साहित्य की विधा हो, उसके लिए भाषा का बहुत महत्व है। और यह भाषा हर लेखक अपने अपने ढंग से अपनी रचनाओं के भीतर ही खोजता है, अपने रचनाओं में आने वाले यथार्थ के भीतर खोजता है, और इस तरह वह अपनी रचनाओं को पाठकों तक पहुंचाता है। जी, बहुत सही सर। आपने भिखारी ठाकुर पे जो आधारित शैली है विदेशिया, इस पे आपकी केंद्रित रही है सृजन, इसके विषय में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को सर। देखिए, एक समय था जब भारतीय रंगमंच पश्चिम की रंगमंची अवधारणाओं का आजादी के बाद जाने अनजाने उसको अपना करके चल रहा था, तो एक काफी बेकली, काफी व्यग्रता, काफी बेचैनी चारों तरफ थी, यह सोचने के लिए या जानने के लिए कि आखिर हमारा जो है, हमारी जो अपनी रंग परंपरा रही है, नाट्य परंपरा रही है, वो कैसी रही है, और उसमें क्या कुछ अभी है जो अभी हम का, जो हमारा आधुनिक समय है, जो हमारा जीवन है अभी का, उस जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए मंच पर हम जिसका उपयोग कर सकते हैं। तो उस समय के जो रंग निर्देशक, नाटककार और रंगकर्मी थे, सबों ने अपने जड़ों की तरफ वापसी का एक हम लोगों ने यह सोचा कि ये हमारे अपने बिहार की नाटक परंपरा क्या है। सबसे हमारा जो निकटतम अतीत था वो जो हमारा देशज रंग कर्म है, जिसको आप खांटी, जो हमारा देशज रंग कर्म है, जिसको लोक परंपरा भी कह सकते हैं, या परंपराशील जो हमारा नाट्य है, उसमें भिखारी ठाकुर हमारे, हमारा सबसे निकटतम अतीत है। वे आजादी के बाद तक जीवित रहते हैं, उनका काम देखा जाता है। तो वहां जो उनके नाटक में उनकी जो प्रदर्शन शैली थी, उसमें जो टूल्स थे, जो युक्तियां थी, उन युक्तियों को लेकर के आधुनिक रंगमंच पर कुछ प्रयोग किए करने की कोशिश थी कि ये युक्तियां हमारे रंगमंच पर कितना काम आती हैं। तो उनके जो, उनकी जो प्रदर्शन की जो कला थी, प्रदर्शन की जो शैली थी,
उस शैली में जिन युक्तियों का वो उपयोग करते थे उनमें से कुछ जो हम लोगों को लगा, हमें लगा कि यह मैंने अपने आलेख में, नाटक के आलेख में ही उसको शामिल करने की कोशिश की। फिर प्रस्तुति करने वालों ने उसको अपने ढंग से एक्सप्लोर करने की कोशिश की। नाटक एक साझा काम है, इसमें लेखक निर्देशक सब शामिल होते हैं, एक्टर शामिल होता है, दर्शक भी शामिल होता है बहुत हद तक। ये उस दौर का काम है और ये काम आज भी चल रहा है। आज भी भारतीय रंगमंच पर जो विभिन्न क्षेत्र हैं, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो हमारी भारतीय भारतीय समाज जो हमारा है वो बहुलता वाला समाज है, विविधता से भरा समाज है। हर जगह की अपनी नाट्य परंपरा है, परंपराशील नाट्य रूप है हर जगह, तो हर जगह उसको लेकर के काम हो रहा है। भाषा के स्तर पर नाटक के जो की जो टूल्स हैं, जो युक्तियां हैं, जो नाट्य रूप भी उनको कहते हैं, उनके ऊपर आज भी काम चल रहा है और कई लोग काम कर रहे हैं। जी, एक सवाल ये बनता है सर कि एक लेखक को उस समय की जो वर्तमान होती है, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक स्थितियां कितनी प्रभावित करती हैं? बिल्कुल प्रभावित करती हैं। अगर लेखक अपने समय और समाज से कटकर नहीं जी सकता, वह बाहर से कहीं से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, वह किसी आसमान से टपका हुआ आदमी नहीं है, वह भी इसी समाज में रह रहा है, यही पालित पोषित हुआ है, यही जी रहा है, वह भी रोज वह सब कुछ झेलता है जो आम जीवन में दूसरा मनुष्य, समाज का जो दूसरा व्यक्ति है वो झेल रहा है। लेखक कहीं से विशिष्ट नहीं होता, मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, वह आपकी हमारे तरह होता है। जैसे लोग दूसरे काम करते हैं, वैसे ही लेखक का काम लिखना है। वह तो वो कैसे अपने समय की राजनीति से दूर भाग सकता है, कैसे अपने समय की सांस्कृतिक बदलावों से दूर भाग सकता है, और वो अपने समय के दुख सुख से कैसे दूर भाग सकता है? वो दूर नहीं भागता, उसे उसी में रहना है और उसी को अभिव्यक्त करना है। जी, बहुत सही है। आप एक तो लेखक के तौर पे भ्रमण करते रहे हैं पूरे देश का भी आपने, तो क्या आपने अनुभव किया है जो अभी बिहार की स्थिति है और पूरे देश की जो स्थिति हो रही है, उस पे कुछ कहना चाहेंगे सर आप एक लेखक की नजरों से? मैं घूमते तो रहता हूँ देश भर में, लेकिन जैसे सबको अपनी माँ प्रिय होती है, उसी तरह अपनी धरती भी प्रिय होती है। बिहार मेरी अपनी भूमि है, मैं बार बार यहाँ रहते हुए भी यात्राओं पर जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन अटका रहता है पटना में और अपने गांव में। पटना में रहते हुए गांव भागता हूँ, गांव पटना में से बाहर रहता हूँ तो पटना भागता हूँ, तो ये सिलसिला है, ये चलते रहता है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जैसे इस देश का दूसरा हिस्सा है वैसा ही है, जैसे इस देश के दूसरे हिस्से में राजनीति हिंसक भ्रष्ट प्रपंची है, वैसे ही यहाँ भी राजनीति हिंसक भ्रष्ट और प्रपंची है। जैसे विकास की अवधारणा देश के दूसरे हिस्से में है और हम अपने अपनी प्रकृति का जिस तरह दोहन कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, मनुष्य की चिंता किए बिना प्रकृति की चिंता वैसे ही बिहार में भी हो रहा है, तो हमारा बिहार किसी अलग प्लेनेट पर नहीं है, इसी देश का हिस्सा है। और इस देश को जो लोग चला रहे हैं वो बिहार हो या केरल हो, सब पर उनकी कुदृष्टि एक तरह की है, चाहे सरकारें किसी की भी हो। बिहार कहीं थोड़ा ज्यादा विकास हो गया, कहीं धन कुछ ज्यादा है, कहीं रोजगार के साधन कुछ ज्यादा हैं, तो ये है थोड़ा बहुत फर्क है, कोई ऐसा फर्क नहीं। हाँ, हमारी जीवन शैली अलग अलग है, दक्षिण में अलग है, उत्तर पूर्व में अलग है, यहाँ अलग है, मैदानी इलाका, हमारा भोजन, कपड़े, बहुत सारी चीज, ये सब मिल करके हमारा भारत हिंदुस्तान बनता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम भी उसका हिस्सा है, हमारी बोलियां, हमारी भाषाएं, ये सब मिल करके। अब देखिए, हिंदी को लेकर के भी हम बहुत छाती पीट ताने फिरते हैं, संस्कृत पर गर्व करते हैं कि संस्कृत से हिंदी बनी, ये झूठ है। हिंदी के निर्माण में मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, अवधी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, नगपुरिया, तमाम जो भाषाएं उत्तर भारत की हैं, उन सब का योगदान है। दूसरी भाषाओं से भी शब्द आए,
तो इस तरह से एक बहुलता की संस्कृति है हमारे देश में, हम भी उसका हिस्सा है और हम उसका बहुत ताकतवर हिस्सा है, बहुत सुंदर हिस्सा है, सब होने के बावजूद जैसे ये देश का दूसरा हिस्सा है वैसे ही बिहार है, यह मुझे बहुत प्रिय है। और आज तो बिहार दिवस भी है और इसलिए मैं ये अच्छा है सवाल कि कर रही थी कि क्या संदेश देंगे कि बिहार कहाँ देखिए पहुंचा संदेश, है, क्या गौरवशाली इतिहास रहा और गौरवशाली संदेश इतिहास तो रहा है, आज की स्थिति क्या है सर? देखिए आज की स्थिति यह है कि पलायन अभी तक नहीं रुका, आजादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे यहाँ से लोग पलायन, रोजी रोजगार नहीं है, हम हमारे यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए हमारे पास भूमि नहीं है, लेकिन जो है उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे, हम ठीक से कृषि नहीं कर पा रहे, हमारे यहाँ इतना बाढ़ का पानी आता है हम आंध्र से मछली खरीद कर खाते हैं, हमारे राजनीतिज्ञों के पास यह जीवन यह राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि वे यहाँ कुछ कर सके, और उसी पानी को अगर चैनलाइज कर दिया जाए तो बिहार पूरे देश को मछली खिलाने लगेगा। बिल्कुल हमारे पास आप देखिए केले की जबरदस्त फसल होती है, आप जैसे ही आप बेगूसराय से आगे बढ़ेंगे खगड़िया से लेकर किशनगंज तक NH-31 पर जी तो आप देखिए, लेकिन वह फसल सड़ जाती है, एक सप्ताह की फसल होती है, किसान उसको बाजार तक नहीं पहुंचा पाता। तो हमारे यहाँ जो अगर कृषि योग्य जो भूमि है उस भूमि पर जो उपज रहा है उसको ही हम नहीं संभाल पा रहे, हमारे राजनीतिज्ञों की इसकी चिंता नहीं है। हमारे राजनीतिज्ञों को चिंता किस बात की है कि तुम ये मत खाओ, तुम ये मत पियो, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे जियो, वे अपनी अपना मद, अपना नशा, अपनी एरोगेंसी के साथ इस राज्य को वर्षों से चलाते रहे हैं। मैं सिर्फ वर्तमान शासक की बात नहीं कर रहा, इस देश के का कोई सांस्कृतिक, इस प्रदेश का विकास नहीं हो सका। आप देखिए कि हमारे बिल्कुल पास सांस्कृतिक कर्म करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 500 करोड़ का एक आपने संग्रहालय बना दिया है लेकिन आपके यहाँ सभागार नहीं है, आपके यहाँ बैठकर बात करने की जगह नहीं है, लेखक, कवि, रंगकर्मी, चित्रकार, ये सब हाशिए पर हैं, जो समाज को नया नई जीवन दृष्टि दे सकते हैं उनको आप कूड़ेदान में भी डालने के लायक नहीं समझते हैं। यह है राजनीति की हिंसा। तो बिहार को जितना बदलना चाहिए था, बिहार आजादी के बाद जिस तरह गुड गवर्नेंस के लिए जाना गया लेकिन तत्काल उसके कुछ वर्षों के बाद बिहार की स्थिति बुरी हो गई, इसलिए कि यहाँ के राजनीतिक बेहद लालची, बेहद प्रपंची, बेहद क्रूर, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए अपना काम करते रहे, और बिहार ने बहुत कुछ खोया है। बिहार के पास जो प्रतिभा है उससे पूरा देश चल रहा, देश ही नहीं दुनिया के जो सबसे बड़े, दुनिया का जो देश है अमेरिका, उसकी आईटी इंडस्ट्री बिहार चला रहा है, सिलिकॉन वैली का जी नाम, आप जाइए और भारतीयों की प्रतिष्ठा को देखिए। तो बिल्कुल ये है क्या क्या बिहार में ऐसा नहीं हो सकता? बिहार का के हर घर का दरवाजा, 2 घर बाद आप खटखटाएंगी तो मिलेगा, कोई बच्चा पुणे में है, कोई हैदराबाद में है, कोई बेंगलोर में है, आपने उसके लिए यहाँ साधन नहीं उपलब्ध कराया, न पढ़ने का, न रोजगार का। तो ये है, हमारा प्रदेश राजनीतिज्ञों की स्वार्थ लिप्सा का शिकार हो गया है। तो ठीक है, हम एक भावुक बयान दे करके कि आज बिहार दिवस है और बहुत प्रसन्नता का दिन है, बधाई, ये कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन नंगी आंखों से हमको सच देखना चाहिए, और सच यही है कि हम तमाम लोग सबके बराबर होने की ताकत कुव्वत रखते हुए हम पिछड़े हैं, इसलिए कि हमारे राजनीतिज्ञों ने, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास ताकत है, हमारे साथ धोखा किया। बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया है सर। मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगी कि ये जो धोखा है ये बहुत ही निंदनीय और दुखी करने वाली बात है, क्योंकि सत्ता पे काबिज होने की ही मंशा होती है, बाकी कोई विकास नहीं दिखता है। अगर विकास होता तो इतने लोग पलायन नहीं करते। ये सबसे चिंतनीय और शर्मनाक भी मैं जोड़ना चाहूंगी बात है, क्योंकि हमारे बच्चों में काबिलियत बहुत है, हमारे बिहार के बच्चों में, जी क्योंकि उन्हें वो जी चीज जो जमीन है वो नहीं मिल रही है, उर्वरक है, लेकिन उसमें जो बैसाखी भी लगी है, कहें कि राजनीतिक बैसाखी है या मैनेजमेंट की कमी है, कोई सोचने के तरीका
तैयार नहीं है कि कितना कुछ काम किया जा सकता है अभी भी, तो वो बच्चे बाहर निकल जाते हैं और अपने जो विजय फताका है वो अच्छे खासे लड़ा रहे हैं, अमेरिका हो, यूएसए हो, ब्रिटेन हो या कनाडा हो, कोई भी देश हो दुनिया में। तो आपने सही बात कही है, और बहुत दुख होता है कि सिर्फ बधाइयां देने से कुछ बात नहीं बनती है, जो जमीन है वो अच्छी तैयार करनी चाहिए। चलते चलते सर, संदेश क्या देना चाहेंगे जो आज के साहित्यकारों को और लेखकों को और आम जनता को, कि एक वरिष्ठ देखिए आप इस साहित्य के, या हाँ, संग देखिए देखिए तो शेफाली, आप ये जो संकटपूर्ण है समय है, इसमें 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 जी संदेश देना सबसे खतरनाक काम है। कोई किसी की बात सुनने को आज के समय में तैयार नहीं है, और मैं अपने को इस योग्य भी नहीं मानता कि मैं दूसरे को संदेश दे सकूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जी कि मनुष्य से मनुष्य का जो संबंध है उसको जीत रखने के लिए जो कुछ किया जाए, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस कार्य क्षेत्र में, मनुष्यता पर भरोसा रखिए और मनुष्य से मनुष्य का जो रिश्ता है उसको बनाए रखिए। जी बहुत जी अच्छी बात शेफाली, कही है, मुझे गूढ़ लग रहा है कि हमारी बात बातचीत कही है, समाप्त समाप्त हो बिल्कुल रही है। गूढ़ बात कही है। इसी के साथ आपसे बातचीत करके बहुत कुछ समझने की जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई है, लेकिन बहुत बाकी रहा है। लेकिन हमारे पास समय का अभाव होता है, हमारी जो बंदिशें होती हैं, बिल्कुल और बिल्कुल, हम फिर आपका बात बहुत करेंगे। बहुत बिल्कुल धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और तमाम जुड़े दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी सर, नमस्कार, प्रणाम। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार।